हमको लग रहा था कि यहाँ से निकले ही नहीं, इतना बेहतरीन नज़ारा था। अब देखिए जो है भाई, हमारे हीरो मतलब निकल करके यहाँ से आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर आकर के जरूर विजिट कीजिए अगर आप लोग चाह रहे हैं कि बड़ी पटन देवी पहुँचने के लिए किस तरह से हम लोग यहाँ आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जो है नज़ारा देख रहे होंगे भाई, हमारा जो है बड़ी पटन देवी का है। ये इस तरफ देख रहे होंगे हमारा एक रास्ता है, इस पे ऊपर की ओर बाग है और इसी के नीचे जो है चुनरी और पूजा का सामान मिलता है। आप लोग यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और इस तरफ देख रहे होंगे हमारा एंट्री गेट है और बगल में जो है हमारा शिव भगवान का मंदिर है, जो आप लोग अच्छा से देख सकते हैं किस तरह से हमारा नज़ारा है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो हमारा एंट्री गेट से जैसे ही मतलब लोग एंट्री करते हैं तो उसके बाद ही सामने ही बड़ी पटन देवी का मूर्ति है, ठीक ना। तो आप लोग इसी गेट के ज़रिए जो है भाई अंदर जा सकते हैं, जो कि आप लोग नज़ारा देख रहे होंगे यहाँ पे। और इस तरफ जो है हम और विकास सर के कुछ मतलब पार्टी लोग जो थे भाई कार से आए थे और जो है बड़ी पटन देवी की ओर मतलब बढ़े थे और बहुत सारा जो है सबसे रेट पूछे मतलब पता किए, तो समझिए तो प्रसाद बहुत ही कम दाम में भी मिल जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए, मिलिए यहाँ पे। अब जो है भाई देख रहे होंगे आप लोग विकास सर जी जो है इसी दुकान पर से मतलब अपना जो है पूजा का सामान खरीदेंगे और यहाँ से भाई धीरे धीरे होते हुए कोशिश करेंगे कि पूजा के लिए आगे बढ़ें। तो आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन देखा जा रहा है और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं हमारे विकास सर जी, ठीक ना। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सरवन भी अभी हैं, जो कि भाई कहे जाते हैं बहुत ही अच्छे कलाकार हैं भाई, ठीक ना, हर तरह का काम करने में एक्सपर्ट हैं। यहाँ से विकास सर जी है भाई, हम लोगों के साथ चलेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक ना। तो ये जो है ये गेट से एंट्री करेंगे अंदर की ओर और जाने के बाद भाई पूजा करेंगे। और इस तरफ आप लोग देखिएगा तो एंट्री करने के बाद जो है भाई उनको हम भी ये सोच रहे थे कि अंदर की ओर जाएँ और बहुत सारा चीज़ जो है आप लोगों को दिखा दे ताकि आप लोगों को बेहतरीन लगे, ठीक ना। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि बड़ी पटन देवी पहुंचने के लिए किस तरह से हम लोग यहाँ आ सकते हैं तो आप लोग को हम बता दें, ये हमारा गाय घाट से ठीक निकट पड़ता है। अगर जैसे भी अगर आप लोग पहुँचते हैं हमारा NIT घाट वाले रोड से, मुसलमपुर हाट से भी पहुँच सकते हैं और PMCH वाला रोड से भी, और गाय घाट की ओर पहुँचिएगा, उसमें पूछिएगा कि जो है बड़ी पटन देवी का मंदिर किस तरफ पड़ेगा, तो आप लोग को कोई भी मतलब भली भांति बता देंगे कि हमारा जो है बड़ी पटन देवी का मंदिर कहाँ पे पड़ने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे बेहतरीन जा रहा है, यहाँ पे हवन कुंड है जिसमें जो भाई धूप वगैरह जलाया जाता है। कहा जाता है भाई कि यहाँ धूप जलाने वाले लोग जो है भाई धूप जलाते हैं, जो कि कहा जाता है जितना भी धूप जलाते हैं अभी तक बिगने का कोई नौबत नहीं आया है, जितना जलाते हैं अंदर की ओर ही चला जाता है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पर आकर के जरूर विजिट कीजिए और बहुत सारे यहाँ पे पूजा याचना के लिए भी आते हैं, जो कहते हैं विश्वास है यहाँ पे, जो भी हमारे पटन देवी यानी कि पटना के पटन देवी माई जो है उससे मांगते हैं जरूर पूरा होता है। तो हम भी आशा करेंगे, यहाँ का जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है, हर जगह पंखा का व्यवस्था किया गया है। अगर गर्मी में भी आप लोग पहुँचते हैं भाई तो हम एक तरह से कह सकते हैं आप बहुत बेहतरीन यहाँ अनुभव कीजिएगा। हमें तो लगता है भाई यहाँ आने के बाद हमको लग रहा था कि यहाँ से निकले ही नहीं, इतना बेहतरीन नज़ारा था, बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला। और यहाँ पे हर तरह से लोग भी आते हैं, आप उनसे मतलब मिल सकते हैं, किस तरह से पूजा याचना हर चीज़ देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद मन शांत जरूर हो जाएगा, इतना उम्मीद करेंगे। और इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे सीढ़ी बनाया हुआ है, जो कि मतलब देख रहे होंगे हमारा कतार में लगने के लिए, एक तरफ पुरुष पार्टी एक तरफ महिला पार्टी। अभी तो शायद उतना भीड़ नहीं था क्योंकि हम लोग दोपहर में आए हैं और पूजा करने का समय सुबह होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा किस तरह से मंदिर है, जिसमें भाई राधे श्याम और गौरी शंकर सीताराम सबका मंदिर यहाँ पे देखने को मिला है। और इधर जो है भाई आप लोग देख रहे होंगे हमारा राधे श्याम के अलावा भी बगल में अगर बात किया जाए तो इसी बगल में सामने जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है बड़ी पटन देवी का मंदिर है, ठीक ना। इस कतार से होते हुए जाइएगा तो बड़ी पटन देवी का मंदिर है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे विकास यादव सर जो है वहाँ पे पंडित जी के पास गए हैं और भी मतलब बगल में मंदिर है उसको पूजा करने के लिए। और यही पूजा करने के बाद भाई खास करके जो है बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, यानी कि भाई अंदर देख रहे होंगे हमारे पंडित जी हैं, जो कि अपना क्या कर रहे हैं ये नहीं बता सकते हैं।
अब देखिए जो है भाई हमारे हीरो मतलब निकल करके यहाँ से आ रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से यहाँ का मतलब बेहतरीन नज़ारा हो सकता है। यहाँ पे पंडित जी के साथ मतलब मिल करके जो है टीका मतलब लिए, यानी कि चंदन लगाएं, और चंदन लगाने के बाद भाई यहाँ से जाएंगे हवन कुंड की तरफ, और हवन कुंड में जा करके जो है भाई ये भी धूप डालेंगे, और हम भी कोशिश करते हैं कि इसमें धूप डाल दे भाई, ताकि हमारा भी भगवान मनोकामना पूरा करें, और भगवान करे कि सब पढ़े सब बढ़े और सब शिक्षित हो। मेरे तरफ से भी सबका मतलब शुभकामनाएँ रहेगा, आप लोग भी यहाँ ज़रूर मिलिए इतना ज़रूर कहेंगे। तो चलिए इस तरफ देख लिए, यहाँ पे कुछ मतलब नोटिस बोर्ड टंगा हुआ है कि हमारा जो है भाई बड़ी पटन देवी जी का इतिहास क्या रहा है, पीछे के बात आप लोग जान सकते हैं। तो देखिए इस तरफ जो था मतलब बाहर में नज़ारा, ये सब इंतज़ार कर रहे थे कब निकलते हैं, और बाद में जो है भाई स्नान करने के लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो मामा को देख रहे होंगे, दादी को हम लोग जो है भाई दान पात्र में मतलब इनको भी कुछ मतलब रुपया दिए, ताकि खुश हो जाएँ, ठीक ना। और हम लोग इसके बाद जो है भाई टाटा बाय बाय, अब हम लोग जो हैं यहाँ से अगला प्रोग्राम के लिए चलेंगे, जो कि हमारा भाई हम बगल में ही गाय घाट पड़ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि गाय घाट ना जा करके, क्योंकि गाय घाट जो है भाई एक खुला की तरह मतलब है, अलग हो जाता है वो सबसे, तो NIT घाट की ओर मतलब जाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर मेहनत अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर यहाँ पे आइए और बड़ी पटन देवी से मिलिए, क्योंकि पटना का एहसान है भाई। तो चलिए हम भी अब देखिए यहाँ के गाय घाट में एक बार मतलब जा करके देख लिए, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जा करके देखे थे तो ज़्यादा मतलब नहीं अनुभव अच्छा मिल पाया, इसलिए भाई गाय घाट जाने के बाद भी घूम करके चले जाते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच।